स्पीति ऊना में हिमाचल पथ परिवहन निगम बैजनाथ डिपो के परिचालक ने हंगामा किया। नशे की हालत में परिचालक बस के ही चालक से उलझ पड़ा और काफी देर तक बस खड़ी रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊना में बैजनाथ से हरिद्वार के लिए जाने वाली बस का ड्राइवर बदलना था। जब नया चालक बस में बैठा तो उसे कंडक्टर के मुंह से शराब की बदबू आई और जब ड्राइवर ने उससे इस बारे में पूछा तो कंडक्टर बस में ही ड्राइवर के साथ उलझ गया और गाली गलौज करने लगा। जब बस में सवार सवारियों ने भी कंडक्टर का विरोध किया तो कंडक्टर बस से उतरकर एक दुकान में जा बैठा और करीब पौने घंटे तक कंडक्टर बस में वापस नहीं आया। परेशान सवारियों ने तुरंत इसकी शिकायत अड्डा इंचार्ज से की और दूसरी बस भेजने का आग्रह किया, जिसके बाद अड्डा इंचार्ज ने दूसरी बस का प्रबंध करके सवारियों को करीब 1.5 घंटे देरी से भेजा। वहीं जब बस कंडक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उसने शराब पी होने से इनकार कर दिया, लेकिन कंडक्टर की लड़खड़ाती जुबान से साफ प्रतीत हो रहा था कि उसने शराब का सेवन किया हुआ है। आपने शराब पी रखी है? समझ आई नहीं, अगला 15 मिनट में तो ठंडा लुटा बना। क्या हुआ, इतनी देर क्यों कर दी? वो साहब जी ड्राइवर ने, दूसरा ड्राइवर जो आया ना, उसने बोला कि आपने शराब पी है। मैं क्या, आप जानने वाली बात कर दी आप? तो लग तो रहा है कि आपने शराब पी रखी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो सारी सवारियां बोल रही है आपने शराब पी रखी है? सवारियां ऐसे बता रही है, इसने इनको आती है नींद, ऐसा नहीं। हमें नींद नहीं आती है, हम 18 घंटे दूरी कर दिया साहब जी, ऐसा। मैं अपनी सीट पर बैठा और इसने बंदे ले आए, इन्होंने मेरे को मारा पीटा सब कुछ किया, ऐसा। इन्होंने मारा आपको? मेरे को 2-3 बंदे हुए यहाँ पर। तो ये बस गई क्यों नहीं अभी? हाँ जी, गई क्यों नहीं? साथ ही गाड़ी उतारी है सवारियाँ ना, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। परिचालक ने जो है दारू पी रखी, तो सवारियाँ जो है दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करके भेज दी गई और कनेक्टर का जो अभी मेडिकल करा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो अगमी कार्रवाई तो क्षेत्रीय प्रबंधक बैद्यनाथ ही कर गए, अभी तो मेडिकल करा रहे हैं इसको। एन स्टार न्यूज के लिए ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट।